यूक्रेन रूस युद्ध की बात ऐसे तो पूरी दुनिया में हो रही है। कोई रूस का समर्थन कर रहा है तो कोई यूक्रेन का। भारत में भी लोग इस मुद्दे को लेकर दो भागों में बंट गए हैं। भारतीय सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग हमले की निंदा करते हुए हिंसा खत्म करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पुतिन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी से उनके कदमों पर चलने की मांग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध तो रूस और यूक्रेन में चल रहा है, तो भारतीय लोग पीएम से कैसी मांग कर रहे हैं? आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट की गई हैं जिनमें भारत से विवादित क्षेत्रों जैसे पीओके और अक्साई चीन को पाकिस्तान और चीन से वापस लेने की मांग की जा रही है। इस ट्रेंड को ट्विटर से लेकर फेसबुक पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर आम लोगों के साथ ही कुछ वेरिफाइड अकाउंट्स भी इसकी मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह इस मुद्दे पर मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। अब बात सोशल मीडिया पर उठी इस मांग की करें तो यूक्रेन पर रूस हमले की तुलना में चीन और पाकिस्तान से विवादित क्षेत्रों को वापस लेना जोखिम भरा काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां यूक्रेन ने 1990 में अपने परमाणु हथियार त्याग दिए थे, वहीं चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनतंत्र टीवी के लिए सुरभि दुबे की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।